फ़िरोज़वाला और शाहदरा की फ़िरोज़वाला प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी फ़िरोज़वाला और शाहदरा का फ़िरोज़वाला प्रेस क्लब रजिस्टर्ड शेखुपुरा के सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की खसूसी हिदायत पर फ़िरोज़वाला और शाहदरा में 1500 मुस्तहकीन में राशन की तकसीम। पुलिस, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ में मास्क और सैनिटाइज़र की तकसीम। फ़िरोज़वाला इंजीनियर अली अहमद, अमीर जमात इस्लामी तहसील फ़िरोज़वाला, डॉक्टर तारिक महमूद, सदर अलखिदमत फाउंडेशन तहसील फ़िरोज़वाला, मियाँ मंजूर अहमद, सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी तहसील फ़िरोज़वाला, जहांगीर अहमद खान, अमीर जमात इस्लामी पीपी 144 शाहदरा, नुमान मुख्तार मलिक, सेक्रेटरी नशर शाह जमात इस्लामी तहसील फ़िरोज़वाला की शिरकत। जमात इस्लामी की तरफ से फ़िरोज़वाला प्रेस क्लब के सहाफ़ियों को मास्क और सैनिटाइज़र दिए गए। इस मौके पर चेयरमैन गवर्निंग कौंसिल फ़िदा मोहम्मद फ़िदा, वाइस चेयरमैन गवर्निंग कौंसिल मोहम्मद अमीन भट्ट, मेंबर गवर्निंग कौंसिल मोहम्मद वहीद जट, चेयरमैन रफीक बाजवा, वाइस चेयरमैन फ़कीर हुसैन भट्टी, सदर फ़िरोज़वाला प्रेस क्लब आसिफ भट्टी, नायब सदर मियाँ शाहिद सलीम, जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ मुदस्सर सलीम, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी राना कमर, सेक्रेटरी इतलात मियाँ उमर, जॉइंट सेक्रेटरी राना खालिद, असद शफीक, सलमान अब्बास, कजाफी भट और रमीज़ असकर भी मौजूद थे। इस मौका पर A1 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी फ़िरोज़वाला इंजीनियर अली अहमद ने कहा, आप फ़िरोज़वाला में इंतज़ार को बस देखते हैं, उसकी क्या हालत है, हम अमीर उन्हीं की हालत देखते हैं, लाइनों के साथ साथ हालत देखते हैं, ना कुछ सफाई का सिस्टम है, ना कोई इनके पास सिवरेज का सिस्टम है। मतलब ये कि इतनी भीड़ होने के बावजूद होकर बिल्कुल साफ होता है और बिल्कुल साफ और इतनी ज़्यादा आबादी और सबसे रैपिड इंक्रीज किसी फ़िरोज़वाला में हुई है। 2017 का जो सेंसस हुआ है ना, उसको आप देखें तो 1998 का जो सेंसस था उसमें इसकी आबादी थी 3.5 लाख, अब आबादी है 8.5 लाख। 5 लाख की आबादी ये 20 साल में बढ़ी है और ये सिर्फ ये आपकी तहसील है जिसमें इतनी रैपिड इंक्रीज है। इतनी इंक्रीज किसी तहसील में नहीं है, ना अमरीके में, ना शेखपुरा सिटी में, उसकी भी तेज़ आबादी बढ़ने की शरह से कम है। वजह क्या है कि हम बहुत सारी स्कीमें आ रही हैं, बाहर से बहुत ज़्यादा लोग इधर आ रहे हैं, और से बहुत ज़्यादा लोग इधर आ रहे हैं। अब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है कि वो इस सारी आबादी को संभाल सके। इंफ्रास्ट्रक्चर कितने का, 3 लाख की आबादी का, आबादी कितनी होगी, 8.5 लाख। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है इसको संभाल सके। जो फ्रंट लाइन पे है वो साफ ही प्राप्त हो गया, आप लोग भी बिल्कुल जहाद कर रहे हैं, बिल्कुल सामने हैं, फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको भी उस तरह से ना तो मास्क मुहैया किए जा रहे हैं, ना कोई इंसानियत की तरफ से कोई फैसिलिटीज दी जा रही हैं कि आप अपनी जो प्रोफेशनल खिदमात हैं वो पूरी कर सकें। हालांकि ये चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, चीज़ों को पूरा होनी चाहिए। तो आज का मेरा आने का मकसद एक तो आपके साथ इजहार व्यक्ति करना था कि आप बिल्कुल फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, हम आपकी खिदमात को सराहते हैं। इस वबा के मौसम में या इस हालत में जो लोग आप काम कर रहे हैं ये भी एक जहाज है और ये भी डॉक्टरों और पुलिस वालों से किसी सूरत काम नहीं है, ये बिल्कुल उसी तरह एक जहाज है जिस तरह डॉक्टर और बाकी पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस वाले जहाज कर रहे हैं। और आपको सबसे ज़्यादा क्यों किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा पीछे आप लोग हैं कि कोई चीज़ नहीं आपको दी जा रही जिससे आप अपना ख्याल रख सकें और अपना ख्याल रखते हुए प्रोफेशनल जिम्मेदारियाँ अदा कर सकें। एकदम खाली तहसीन पेश करते हैं।